हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम पीएचपी में अपना पहला पेज किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आप सबको सिखाने जा रहा हूँ कि हम अपना पीएचपी का फर्स्ट पेज कैसे बनाएंगे। सो जो पीएचपी का जो हमारा कोड होता है वो पीएचपी टैग्स के अंदर लिखा जाता है। जो ये हमारा जो ये टैग है ये होता है स्टार्टिंग पीएचपी टैग, जो कि होता है लेस देन सिंबल, देन क्वेश्चन मार्क एंड देन पीएचपी। ये सब चीज़ें कंबाइन करके हमारा पीएचपी का स्टार्टिंग टैग बनाते हैं। एंड जो एंडिंग टैग होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन सिंबल। ये होता है हमारा पीएचपी का एंडिंग टैग। हमारा सभी का सभी जो पीएचपी का कोड होता है, पीएचपी का स्क्रिप्ट होता है, वो हम इन टैग्स के बीच में लिखते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में। ओके, तो ये सिंपली मैंने इसके बीच में मैंने सिंपली सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है जो कि पीएचपी प्री प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही पीएचपी कोड मिलता है वेब पेज के अंदर, ये ऑटोमेटिकली पीएचपी प्रोसेसर के पास ट्रांसफ़र हो जाती है और वो उसे एग्जीक्यूट करता है एंड देन वो वेब ब्राउज़र के पास उसे भेजता है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, मैंने कुछ स्पेस यहाँ पर छोड़ा है, ये होता है वाइट स्पेस। ये एक प्रोग्रामर अपनी हेल्प के लिए, प्रोग्रामर को एक प्रोग्राम को अच्छा व्यू देने के लिए, उसे अंडरस्टैंडेबल व्यू देने के लिए छोड़ता है। आप भी अगर इस तरह से वाइट स्पेस का अच्छे से यूज़ करेंगे तो एक गुड प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर मैंने किया क्या है, मैंने यूज़ की है इको। इको एक फंक्शन है, एक स्टेटमेंट है जो क्या कर रही है, जो भी हम डबल कोट्स में लिखेंगे उसे एज इट इज़ हमारा जो वेब ब्राउज़र है उस पर प्रिंट करवाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड एंड देन मैंने यूज़ किया सेमी कोलन। सेमी कोलन क्या करता है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट बताता है। जैसे ही सेमी कोलन लिखा, यहाँ पर पता लग गया कि स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर क्या किया, पीएचपी कोड स्टार्ट किया, इको यूज़ किया जिसमें लिखा हेलो वर्ल्ड एंड देन पीएचपी बंद किया। तो ये कोड क्या करेगा, सिंपली हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। मैं इसे सेव करता हूँ, इसे मैं सेव कर चुका हूँ। मैंने इसे सेव कहाँ किया, हमें हमेशा www डायरेक्टरी में काम करना है, उसके अंदर एक हम अपनी वेबसाइट का फोल्डर बनाएंगे। मैंने ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर बनाया, उसमें मैंने hello.php नाम से सेव किया है। तो अब इसे रन करते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले हम वेब सर्वर को रन करेंगे, वो मैं रन कर चुका हूँ। देन हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, मैंने रन ओपन किया। देन यहाँ पर लोकल होस्ट जैसे ही लिखेंगे हमें पता लग रहा है ये वेब सर्वर होम है। तो इसके अंदर ट्यूटोरियल एंड देन hello.php/ के साथ सबसे पहले लिखेंगे लोकल होस्ट, देन स्लैश हमारी जो वेबसाइट का नाम है, मैंने दिया है ट्यूटोरियल, जो कि हमने www डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर बनाया है। देन स्लैश के बाद जो हमारा पेज का नाम है, जो कि मैंने दिया है hello.php। जैसे ही एंटर करेंगे ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा गया। ओके, तो ये हमारा पीएचपी पेज एग्जीक्यूट हुआ, जो जिसने क्या किया हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया, जो कि हमने यहाँ पर किया था। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम। थैंक यू very much.